हेलो गाइस, वेलकम टू दिस मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली ब्लू रे प्रिंट के बारे में कि आखिर क्यों नहीं रिलीज़ हो रही है एवेंजर एंड गेम इन हिंदी इंडिया में। देन उसी के साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में और वीडियो की एंडिंग में एक छोटा सा गिफ्ट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली रिलीज़ कौन सा पार्ट के बारे में, जिसमें कि हमें आयरन मैन को जिंदा करके दिखाया गया है। ये तो हमें मूवी में भी देखने को मिला था, साथ ही साथ इन कौन सा पार्ट में और भी चीज़ें देखने को मिली है। और देन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये कौन सा पार्ट चाहिए जो कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हो, तो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे फुल HD में। अब बात करते हैं कुछ काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो रैन फाइनली कन्फर्म हो चुके हैं कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी थॉर डायरेक्टर से और वो पॉसिबली शायद थॉर मूवी में भी देखने को मिलेंगे। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम को दोबारा से रिलीज करा जा रहा है US में, जहाँ पे डायरेक्टर कट देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ डिलीट सीन और हाँ रेस्टोरेंट फाइट सीन भी देखने को मिलेगा। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम सोनी यूनिवर्स की, यानी कि आप कह सकते हो सोनी में जितनी भी मूवी बनी है उनमें से सबसे टॉप पे रही है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी। सोनी की अपकमिंग मूवी मॉर्बियस का एक और बेहतरीन लुक देखने को मिला है, जिसमें कि वो ऐसा लग रहा है कि शायद एक महीने से उन्होंने खून नहीं पिया है। तो ये मूवी भी मेरे को इंतजार है इसका, पता नहीं किस टाइप की होगी ये मूवी। देन एक और बड़ा अपडेट है, बहुत ही बड़ा, डिज्नी प्लस पर मिस मार्वल और हल्क की TV सीरीज बनाई जा रही है। ये एक ऐसा रूमर चल रहा है पर मिस मार्वल का नाम लिया गया है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कैप्टन मार्वल फिर मिस मार्वल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और इनकी पावर में क्या रहेगा, इनकी स्टोरी क्या रहेगी, ये तो आप TV सीरीज में ही पता चलेगा, पर अभी फिलहाल के लिए रूमर है। अब बात करते हैं एवेंजर एंड गेम की ब्लू रे अपडेट के बारे में, क्योंकि इंडिया में रिलीज नहीं हुई, क्या कारण था। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियरली फंडा बता देता हूँ कि मार्वल की जो मूवी रिलीज होती है वो मार्वल इंडिया के उनके ऊपर राइट्स होते हैं और ये सारा काम डबिंग का करती है हॉटस्टार, यानी कि कह सकते हो आप स्टार प्लस। और स्पाइडरमैन की जो राइट्स है वो है सोनी इंडिया के पास, वो भी डब करवाती है इंडिया में किसी कंपनी से। अब जो मार्वल की मूवी थी वो कंपनी बंद हो चुकी है, सिंपल फंडा है, कंपनी बंद हो चुकी है तो कौन डबिंग करेगा। तो फाइनली स्टार प्लस के पास ऊपर इसकी जिम्मेदारी आ जाती है, तो स्टार प्लस दिसंबर तक शायद इसकी ऑफिशियली ब्लू रे लॉन्च कर देगा, DVD में नहीं, इंटरनेट पर, और देन हमें जल्दी देखने को मिलेगी। और देन YouTube पे तो ये 100 रुपये में अवेलेबल है, आप देख सकते हो इन इंग्लिश में। और देन उसी के साथ गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, 100 रुपये में आप देख सकते हो और 600 रुपये में आप इसे गूगल प्ले पे खरीद भी सकते हो। और प्राइम वीडियो पे इंग्लिश में रिलीज होगी करीब 31 अगस्त को, तो आप प्राइम वीडियो पे भी इसको देख सकते हो आराम से। और देन उसी के साथ इसकी जो ऑफिशियली ब्लू रे इन हिंदी आएगी वो दिसंबर तक आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगी। अब एंडिंग में एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, 720px 180px ऑफिशियली HD प्रिंट। अगर आपको चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम को डाउनलोड करो, ज्वाइन कर लो मेरा ग्रुप। और इसकी जो ऑडियो हिंदी है वो क्लियर है, बस थोड़ा सा हल्का सा वॉइस है हंसने का थिएटर वाला, पर मूवी बिल्कुल परफेक्ट है। और 2K और 4K अल्ट्रा HD में डाउनलोड करनी है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप पर है। तो ये आपके लिए गिफ्ट, और देन मूवी जब ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।